के लोगों को। तो मैं ये देख रहा था कि आप लंबे समय से, पहले आपने मेरे ख्याल से 4-5 दिन में ही 60-70 लोगों को जोड़ लिया था और फिर एकदम आप निष्क्रिय हो गए थे। तो जी सर, क्या मैं एक बार फिर से आपको समझाइश देना चाहूंगा, गुजारिश करना चाहूंगा, प्रार्थना करना चाहूंगा कि अपने बच्चों को अच्छा भारत देने में जी ये इससे अच्छा मॉडल कुछ हो सकता है क्या? नहीं सर, आप ये बताइए मौका। कि यदि पहला तो हम आज अपने चुने हुए नेताओं से प्रार्थना कर रहे हैं कि हम 100 करोड़ होकर जब प्रार्थना करेंगे तो माननीय जी नरेंद्र मोदी जी हमारी बात सुनने के लिए विवश भी होंगे, हमारी प्रार्थना उनके जी लिए आदेश बन जाएगी, उन्हें मजबूत जी भी करेगी, मजबूर भी करेगी, विवश भी करेगी। और जी यदि मान लो वो हमारी बात किसी कारण से नहीं मानते हैं तो इस सर, मॉडल में एक वैकल्पिक व्यवस्था छिपी हुई है। वो निगम, आपको वो वैकल्पिक व्यवस्था क्या समझ में आई है? बिल्कुल सर, मतलब उसमें जो ये बात कही जा रही है कि जो 100 करोड़ लोगों के जोड़ने में भागीरथी प्रयास करेंगे, जो अपने लोगों जी को जोड़ेंगे, जो आम सभाएं करेंगे, जो चाय पे लोगों को बुलाएंगे, जो खुद दूसरे के यहाँ चाय पे जाएंगे, और इस जी प्रक्रिया में ऐसे 543 भागीरथी लोग जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेंगे, उन्हें हमारा मॉडल चंद्रगुप्त कह रहा है, राइट? जी सर, और इन चंद्रगुप्तों को टिकट पहुंचाने के लिए क्राइम फ्री भारत मिशन ने एक राजनीतिक पार्टी को 10 सितंबर को जन्म दे दिया है जिसका नाम है श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी। अच्छा ये जी, पार्टी दूसरी पार्टियों से भिन्न है। ये पार्टी कोई भी राजनीतिक गतिविधि नहीं करेगी, ये ना सदस्यता अभियान चलेगी चलाएगी ना कुछ करेगी। इस पार्टी का केवल एक ही काम है कि जो भागीरथी प्रयास करने वाले लोग हैं उन्हें उनके घर पर टिकट पहुंचा दिया जाए। तो आप यदि भागीरथी प्रयास करेंगे तो आपका टिकट आपके घर पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा? बिल्कुल अच्छा, इनमें से जो सबसे ज्यादा प्रयास करने वाले 82 लोग होंगे बिल्कुल उन्हें हम महाचंद्रगुप्त कह देंगे और उन्हें मंत्री का जो है ना वो मिलना है। तो ये बताइए, जब हम 100 करोड़ लोग इन जी 543 कर लोगों को चंद्रगुप्त कह के अपने लाभ के लिए, उनको टिकट नहीं दे रहे हैं, उनको वोट नहीं दे रहे हैं, अपने आप को वोट दे रहे हैं, 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकारों को वोट दे रहे हैं, तो बताइए ये पूरे 543 के 43 लोग, ना तो इन्हें टिकट के लिए चक्कर काटना है, ना ही इन्हें वोट मांगने किसी के दरवाजे पे जाना है, ना ही इन्हें लीफलेट छपवाना है, ना ही होर्डिंग बनवाना है, ना ही अखबार में आना है, ना ही टीवी डिबेट में जाना है। इसके बावजूद सभी 543 के 43 लोग जीत जाएंगे कि नहीं जीत जाएंगे? क्या बिल्कुल कहना सर, है आपका? बिल्कुल सर, ये सही है जो जीत जाएंगे आप। ना? एक मिनट, जी अब इसका मतलब है कि सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता हार जाएंगे कि नहीं हार जाएंगे? जी बिल्कुल, आ फिर जाएंगे जो प्रार्थना आप माननीय नरेंद्र मोदी जी से कर रहे हैं, हम उसे पार्लियामेंट के अंदर खुद जाकर जमीन पर बिल्कुल उतारने की खुद स्थिति में आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? जी सर, जी अब सर, एक सवाल और उठता है, क्या हम जिनको चंद्रगुप्त कह रहे हैं, जिनको महाचंद्रगुप्त कह रहे हैं, जिनको हम एमपी और मंत्री बना दे रहे हैं, ये आज के राजनेताओं जैसे दुष्ट नहीं निकलेंगे? इसका इस मॉडल में क्या